बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा हमेशा की तरह। तो शाम के 7:06 हो चुके हैं और हम अभी तैयार हो गए हैं, मैं और इधर रहे बच्चे, और ये रजाइयाँ निकाली है। हेलो 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 हेलो। तो ये भी तैयार हो चुके हैं, रजाइयाँ जो है ये निकाली थी हम लोगों ने, आज धूप इसमें लगाई है थोड़ी देर, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, दो दिन में बारिश हुई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो रजाइयाँ निकालनी पड़ी। और अभी हम लोग तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं एक हमारे गाँव में मुंडन सेरेमनी है, वहाँ जा रहे हैं। तो पहाड़ी तरीके से जो हमारा मुंडन, उसको जडोलन बोलते हैं, वो हो रहा है। तो जिसके बाल काटने हैं अभी उसके मामा वगैरह आते हैं, मतलब पूरा धाम का सिस्टम रहता है। तो देखती हूँ कहाँ तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी ये वाला हमारा कल्चर। तो आज से पहले कभी मुंडन की वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है, क्योंकि लोग अपने अपने तरीकों से करते हैं, जैसे किसी की मान्यताएं वगैरह होती है ना, तो लोग उस तरीके से करते हैं। तो मेरे बच्चों का तो सिंपल तरीके से हुआ था, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था बाजे गाजे वाला। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ धूमधाम से हो रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है शॉल, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और मुझे कोटी पहननी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना वो गांव से ऊपर है, मतलब हाइट पर जाकर है। और यहाँ मैं बताऊँगी जाते जाते आपको एक लिंक के बारे में, जो कि है मेरा लिंक, वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आजकल फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आप सभी को पता है, और सब लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, किचन होम डेकोर अपने लिए बच्चों के लिए। तो उस लिंक को आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर मिलेंगे आपको ढेर सारी कैटेगरी और अफोर्डेबल प्राइस। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहले मैं कोटी पहन लेती हूँ, फिर निकलते हैं। ये ले बेटा, ये पकड़ ला, बन्या गेट बंद कर, अपनी जेब में रख मेरी। चलो चलो चलो। तो सब लोग ना चले गए हैं, मुझे मेरी फ्रेंड का फोन भी आ रहा है। मामी जो है वो अभी यही है आधे रास्ते में, तो मामा लोग से पहले हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम लग जाता है ऊपर पहुंचते पहुंचते। हाँ हाँ तो मामा जो है उनके आने में टाइम लग रहा था, क्योंकि वो नाचते गाते हुए आते हैं, तो हम लोग उनसे आगे निकल आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर रिबन लग जाता है गेट पे, और जब तक मामा का स्वागत नहीं हुआ उसके बाद फिर आपको भी वेट करना पड़ता है। तो हम लोग फटाफट से आगे आगे आ गए थे, और सब लोग इस तरीके से आते रहते हैं और गेट पर हार वगैरह अपना पहनाते हैं, उसके बाद अंदर बैठ जाते हैं। तो अभी जो है ये जिसका मुंडन है, वो छोटी सी एक गुड़िया है, पीहू नाम है उसका, और उसकी मदर और फादर ये है सामने। तो इसके अभी गॉड ब्रदर आए हैं, मतलब मामा ही आए हैं, जो धर्म भाई होते हैं वो आए हैं, तो वो इनको कपड़े पहना रहे हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ मामा को फिर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मामा अपनी सहूलियत के अनुसार सब कुछ लाता है। अगर आप जेवर दे सकते हो तो आप देते हो, अगर नहीं दे सकते तो कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको लेकर जाना पड़ता है, जितनी जिसकी पुगत होती है उसके हिसाब से सब लोग लेकर जाते हैं। तो मुंडन में भी इसी तरीके का रहता है, मामा का रोल रहता है, चाहे बेटे का मुंडन हो चाहे बेटी का, तो मामा का हाथ लगता है। तो इनका इनके यहाँ पर मुंडन जो है वो बहुत धूमधाम से था, तो इस तरीके से पूरा रिवाज रहता है, जो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। Yeah.
तो मामी जो हैं वो आ चुके हैं जैसा आपने देखा बैंड बाजे के साथ, और मामा के साथ पूरा गांव आता है, मतलब जहां से ये मामे आए हैं ना वहां मेरी सासू माँ का मायका भी है, मेरी सासू माँ का मायका और ये जो सामने आप देख रहे हैं उस गुड़िया की मदर, इसका मायका एक ही जगह पर है। तो यहाँ वहाँ से ये लोग आए हैं और उसके बाद मामा का वही जो काम रहता है पूरे कपड़े लेकर आते हैं, तो ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर आते हैं, चाहे शादी हो चाहे ये मुंडन हो, तो इस तरीके से ये बाहर बाहर के कपड़े पहना देते हैं और पूरा सामान लेकर आते हैं सर से लेकर पैर तक, जैसे ये पेटीकोट हो गया, स्लूका हो गया और उसके बाद धाटू हो गया और जूते जुराबे सब कुछ लेकर आते हैं और यहाँ पर पहनाते हैं। तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर पहले ये स्वागत करेंगे घर के जो होते हैं और उसके बाद जो गांव से आते हैं, मतलब एक एक लोग सब लोग आए हुए होते हैं वो भी स्वागत करते हैं। तो ऐसे ऐसे करते हुए 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं मतलब इस स्वागत में। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है और तो सब लोगों का स्वागत हो चुका है। उसके बाद जो मामा के साथ बाजा आया होता है उसकी भी पूजा होती है। तो बाजे की पूजा किस तरीके से होती है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है, मैरिज में भी इसी तरीके से होती है। तो पूरे बाजे जो हैं उनकी पहले पूजा की जाती है, धूप बत्ती की जाती है, मौली बांधी जाती है और उसके बाद डांस किया जाता है। तरीके से बाजे की पूजा की जाती है और उसके बाद जिस साज में ये बाजा बजता है उसी साज में आपको डांस करना पड़ता है, पहले स्लो फिर फास्ट फिर फास्ट और फिर ये बंद हो जाता है। तो बस इसी तरीके से सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं डांस और इसके बाद जो है मामा वगैरह रेस्ट करते हैं, उसके बाद मामा की नाटी लगती है। तो पहले ये पूजा वगैरह जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, मतलब जैसे बाजे की पूजा हो गई और इसके बाद फिर सब लोगों को दिया गया था खाना। तो इस तरीके से सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं और आगे की तरफ भी बहुत लोग बैठे थे, तो खाते खाते थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है यहाँ पर। और उसके बाद लगती है मामा की नाटी खाना खाने के बाद। तो ये सारे जो हैं ये मामे हैं, मतलब मामे के गांव से हैं, तो ये लोग नाटी लगाएंगे और बीच में आप बच्चों की शैतानियाँ देख सकते हैं। तो बच्चे बीच में डांस कर रहे हैं, करना आता नहीं है बट कोशिश कर रहे हैं, तो इन्जॉय करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो मामा की ये नाटी लगी है यहाँ पर, थोड़ी सी शेयर की है मैंने आपके साथ। तो सामने की तरफ नाटी में जो हलो कर रहे थे वो थे बुआ, मेरी बुआ सास लगती हैं, यहाँ से उनकी मैरिज उस गांव में हुई है जहाँ से मामे आए हैं। और ये है वो क्यूट सी पीहू जिसका मुंडन होगा, इसके बाल इतने ज़्यादा सुंदर थे। और ये है इसकी मम्मा, तो आप सभी को हलो कह रहे हैं। तो बस इस तरीके से खाना वाना खाने के बाद मामा जो हैं सब लोग मतलब नाचते रहते हैं डांस करते रहते हैं और जब थक जाते हैं तब रेस्ट कर लेंगे। तो हम लोग तो यहाँ से अब चलेंगे घर, क्योंकि मेरे
मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो बस मैं यहाँ पर कर रही थी हस्बैंड का वेट। तो मैंने कहा चलिए जितनी देर मैं वेट करती हूँ आपके साथ थोड़ा सा यहाँ का शेयर करती हूँ, तो चलिए चलते हैं घर। तो जी टाइम हो चुका है 11:30 का, और ये रही लावण्या। आ बाजू में ना लगाई हो। ये रही लावण्या, और लावण्या ने किया डांस थोड़ा सा, है ना, उठने को, फिर हम लोग आगे। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, और ऊपर ना मतलब जैसा मैंने आपको दिखाया नाटी डाल रहे थे, तो सब लोग मुझे भी बोल रहे थे, बट मेरी ये वाली जो बाजू है ना ये ऊपर ही नहीं हो रही है, तो फिर मैंने डांस नहीं किया, मैं वापस आ गई। और इस बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और फिर जैसे कोई छू रहा है ना तो और ज़्यादा दुख रहा है ये। तो फिर हम लोग आ गए, और कपड़े थे मेरे थोड़े से मशीन में मैंने रखे थे, वो मतलब स्पिन करने के लिए मैंने रखे थे, तो वो अभी मैं स्पिन करने के लिए मैंने डाल दिए हैं। और अब हम करेंगे निन्नी और लावण्या का है बर्थडे, है ना, बस आधे घंटे बाद लावण्या का बर्थडे हो जाएगा। लावण्या 19 तारीख की रात को 12:05 पर पैदा हुई है, मतलब पैदा हो जाएगी थोड़ी देर में। तो नेक्स्ट डे आता है 20 लग गया था, मतलब 5 मिनट लेट थी, नहीं तो 19 को ही इसका बर्थडे होना था। तो आज मेरी एक ननद की एनिवर्सरी भी होती है, मैरिज एनिवर्सरी, क्योंकि उसकी विदाई हुई थी और ये हमारे घर में आई थी, तो उसकी एनिवर्सरी और इसका बर्थडे दोनों का साथ में होता है। तो अब हम करेंगे कपड़े चेंज, हाथ पैर धोएंगे, लावण्या ने तो धो लिए हैं, और साथ ही करेंगे वीडियो का एंड। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो इस तरीके के मुंडन होते हैं, मतलब जो लोग करना चाहे ना, निर्मण साइड करते हैं, मुझे ऐसा पता लगा आज कि निर्मण साइड इसी तरीके के मुंडन होते हैं, बड़े बड़े पूरे मैरिज की तरह। तो हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होते हैं, हमने तो मैंने दोनों बच्चों के सिंपल तरीके से ही किए थे, बस बच्चे बच्चों की नानी नानू दादी दादू, मैंने नानी नानू को भी बुलाया, बस बाकी कोई नहीं। तो अब ये नए तरीके का मैंने भी आज देखा, मैंने भी इस तरीके का मुंडन पहले नहीं देखा था, सुना ही था कि पूरी शादी की तरह होता है, बट देखा नहीं था। और अब कल ये मुंडन वाले लोग जाएंगे मंदिर, और मंदिर यहीं जाएंगे ढोपा मंदिर जो सामने है, और सब लोग मंदिर जाएंगे, वहाँ से बाल काट कर फिर कल फिर मामा की धाम होगी, जो मामे आए हैं उन लोगों की धाम होगी कल दोपहर में। तो कल तो पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी दोपहर में, बट कोशिश करूँगी, अगर जा पाई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।